अम्मी इधर आओ ना, क्या हो? हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आर यू ऑलराइट एवरीवन? आर यू ऑलराइट? चलो आज हम हिंदी प्रवेशिका की बुक में वर्कआउट करते हैं। टेक आउट योर हिंदी प्रवेशिका बुक। ओके, टेक आउट दिस बुक एवरीवन। अब उसमें मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया था, राइट? एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, ओके? एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। अ आ ई ई
वो यमी कहा जाएगा, ओके। लेकिन जब आपकी बारी आती है, आ प्लस क, तो हुआ हमारा का, आ प्लस क, तो हुआ हमारा का, आ प्लस क, तो हुआ का। जैसे आ प्लस ग, तो हुआ हमारा गा, ठीक है। तो स्वर इस तरह से व्यंजन के साथ मिक्स होके बनता है, ठीक है। अब हम पहले अ सीखेंगे, आज हम अ का अ के स्वर से शब्द बनाना सीखेंगे। देखो पेज नंबर 9 पर, यहाँ देखो एकदम सिंपल वर्ड्स है, सरल शब्द दिए गए हैं, सरल शब्द इजी वर्ड्स है। और से जैसे मन, मटर, नर, करदन, अजगर, बतख, नल, अदरक। तो ये हमारे सरल शब्द है जो हम अ की मदद से लिखते हैं, ठीक है। मन, मटर, नल, गर्दन, अजगर, बतख, नल और अदरक, ये शब्द आपको यहाँ देख देख के लिखने हैं, बुक में आपको लिखने हैं। फिर नीचे जाते हैं, नीचे अ यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए। अब और से जो शब्द शुरू हो रहे हैं वहां आपको राइट करना है, टिक राइट। जो शब्द और से शुरू होते हैं उस पर आपको टिक मार्क राइट करना है। ये और से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है वो पहले हम देखते हैं। अ से असर, असर, तो ये अ से शुरू हुआ, तो यहाँ हम राइट करेंगे। फिर ये मगर, ये अ से शुरू नहीं होता, इसे यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ अमर, अमर, तो यहाँ हम राइट करेंगे। फिर ये शब्द अ से शुरू होता है, अनार, तो यहाँ हम राइट करेंगे। फिर है न गाड़ा, ये अ से
बाजू में लिखना है, पहले अ उसके साथ नार को मिला तो हुआ हमारा अनार। हम यहाँ लिखेंगे अनार, फिर अ को मर इसके साथ मिलाया तो हुआ हमारा अमर। तो यहाँ हम लिखेंगे अमर। फिर अ को जय के साथ मिलाया तो हुआ हमारा अजय। तो यहाँ हम लिखते हैं अजय। फिर अ को काल के साथ मिल कल के साथ मिलाया तो हुआ हमारा अकाल अकाल। फिर अ को गर के साथ मिलाया तो हुआ हमारा अगर। फिर अ को गहन इसके साथ मिला तो हुआ अगहन। तो ये हमने अ के साथ सारे शब्द को मिलाया तो नया शब्द बना, ठीक है। अनार, अमर, अजय, अकाल, अगर, अगहन, कितने शब्द बनाए हमने? छह शब्द। अ के साथ मिला के हमने ये छह शब्द बनाए। तो यहाँ हमारा ये तो पूरा हुआ। फिर नीचे चित्र दिए गए हैं आपको। पहला चित्र है घर, बल, बस और कमल। चार चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र घर का, दूसरा बल का, तीसरा बस और चौथा कमल। देखो मैं इसे बताती हूँ। देखो चित्र, पहला चित्र जो है वो है घर, दूसरा चित्र जो है वो है बल, तीसरा बस और चौथा चित्र जो है वो है कमल। देखिए ये चार जो चित्र है उस चारों चित्र के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए, राइट। अब हम पेज टर्न करते हैं। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 में आपको करना है। पेज नंबर 10 में भी सेम थिंग है, चित्र को देख के उसके नेम्स लिखने हैं आपको। यहाँ मैं आपको नेम्स लिख के बताती हूँ। पेज 10, चित्र दिए गए हैं उसके नेम्स आपको लिखने हैं। Okay.
नीचे सेम थिंग है, यहाँ आपको चित्र दिए गए हैं, ये चित्र के हिसाब से है आपको यहाँ स्पेलिंग लिखने हैं। देखिए अब ये जो चित्र है, इस चित्र को आप इससे नेम सुन लोगे। तो पहली लाइन ये है शरबत, तो इसमें से शरबत कहाँ है, यहाँ हमारा शरबत है, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे शरबत। दूसरा जो नीचे चित्र है वो है अदरक का, तो बॉक्स के उस तरफ है पहला चित्र जो है वो है फल, तो फल यहाँ सेकंड लाइन में फल, और जो लास्ट है वो है बतख, तो लास्ट लाइन में आपका बतख। तो बॉक्स में से आपको सब ढूंढ के इस तरह से लिखना है। बाकी नीचे क्या है, ये जो स्पेलिंग है मिसिंग लेटर है, मतलब कि कोई एक वर्ण छूटा हुआ है, आपको शब्द में से वो वर्ण देख के पूरा करना है। यहाँ आपको ब्लैंक्स फिल अप करनी है ब्रैकेट साथ गिवन। बच्चों
नल समझ में आ गया सब कुछ? ओके, तो ये स्पेलिंग